लंदन मॉनिटरिंग डेस्क, चीन में फैलने वाला खौफनाक कोरोना वायरस ताहल लालाज मर्ज है, लेकिन उस वायरस का शिकार होने वाले एक बर्तनवी शहरी ने ऐसे तरीके से अपना इलाज कर लिया और सेहतमंद हो गया कि डॉक्टर भी दंग रह गए। मिलान लाइन के मुताबिक 25 साल कॉनरेड नामी ये नौजवान वेल्स का रहायशी है और चीन के शहर वुहान में अंग्रेजी टीचर की नौकरी करता है। इसे 2 माह पहले कोरोना वायरस लाहक हुआ। कॉनरेड अस्पताल गया और टेस्ट करवाए, जिनमें उसमें वायरस की मौजूदगी की तस्दीक हो गई। डॉक्टरों ने इसे वैक्सीन देने की कोशिश की, लेकिन उसने लेने से इनकार कर दिया और अस्पताल से निकल गया। अपने रहाइशगाह पर जाकर उसने एक खास मशरूब पीना शुरू कर दिया, जिसका नाम हॉट टोडी है। मुसलसिल ये मशरूब पीने से वो बिल्कुल सेहतमंद हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक हॉट टोडी बनाने के लिए 1.5 औंस ब्रांडी, उसकी यरम, 1 खाने का चम्मच शहद, 1/2 औंस लेमन जूस और 1 कप गर्म पानी इस्तेमाल होता है। गर्म पानी के कप में बाकी तीनों चीजें डालकर अच्छी तरह हिला लें। आपका हॉट टोडी इस्तेमाल के लिए तैयार है। कॉनरेड का कहना था कि मैं अपनी खांसी रोकने के लिए इनहेलर इस्तेमाल करता रहा और साथ ही मशरूब पीता रहा, जिससे मैं मुकम्मल सेहतमंद हो गया। कॉनरेड का कहना था कि जब मुझे कोरोना वायरस लाहक हुआ और मैंने बर्तनवी सिफारतखाने को उस हवाले से बताया तो वो मुसलसिल मुझे कहते रहे कि अगर मैं वापस बर्तनिया जाना चाहता हूं तो वो मुझे जहाज में सवार कर सकते हैं, लेकिन मैं इनकार करता रहा। मैं अभी वापस नहीं जाऊंगा क्योंकि अब मैं जानता हूं कि कोरोना वायरस का इलाज मुमकिन है, जिसका मैं खुद एक सबूत हूं। वाज रहे कि चीन में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 17,205 से तजावज कर चुकी है, जबकि 361 लोगों की मौत वाक हो चुकी है। वायरस के फिला में बहुत तेजी आ रही है और गुज़िश्ता 24 घंटे में उसके 2,829 मरीज सामने आए हैं। उस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। बरा करम मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और नई वीडियो अपडेट्स हासिल करने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।